चिलचिलाती गर्मी से कौन राहत नहीं पाना चाहता। बारिश चिलचिलाती गर्मी से राहत जरूर लाती है, लेकिन साथ में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, डायरिया, वायरल स्वर्ण रोग की शक्ल में कुछ बीमारियां भी लाती है। डेंगू का बुखार डेंगू वायरस से संक्रमित एडीजी एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। दिल्ली समेत कई जगहों पर हर साल डेंगू से संबंधित मामले उजागर होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि बीमारी और उसको रोकने के तरीके के बारे में जानना। लक्षणों में अचानक से तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, गंभीर जोड़, हड्डी और मांसपेशियों में दर्द, थकान, जिमिचलाना, स्किन पर रैशेज का होना शामिल है। ये आमतौर से संक्रमण के बाद 4 से 6 दिनों में शुरू होते हैं और 10 दिनों तक रह सकते हैं। लक्षण कभी कभी हल्के होते हैं और गलती से फ्लू या अन्य वायरल संक्रमण के लक्षण समझ लिए जाते हैं, लेकिन समय पर इलाज नहीं कराने से गंभीर समस्या विकसित हो सकती है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों की तरह दूसरे या बाद में डेंगू संक्रमण डेंगू हेमरेजिक बुखार के लिए ज्यादा खतरा समझे जाते हैं। डॉक्टर डेंगू संक्रमण का ब्लड टेस्ट वायरस या उससे एंटीबॉडीज की जाँच करने के लिए कहते हैं। लैब की जांच में मरीज के खून में एंटीजन आईजीएम और आईजीडी और प्रोटीन NS1 देखे जाते हैं। NS1 की मौजूदगी से मरीज के अंदर डेंगू वायरस के संक्रमण का पता लगता है। डेंगू संक्रमण का इलाज करने के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको डेंगू का बुखार है तो आपको सिर्फ बुखार के लिए पैरासिटामोल इस्तेमाल करना चाहिए। डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। सबसे अच्छा तरीका बीमारी से बचने का संक्रमित मच्छरों द्वारा काटने से रोकना है। खुद की सुरक्षा के लिए जहां तक संभव हो सके घनी आबादी वाले इलाकों से दूर रहें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, मच्छर भगाने वाली तरकीबों, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। डेंगू का लक्षण नजर आने पर आप अपने डॉक्टर से बात करें। मच्छर पनपने वाली जगहों में पानी के जमाव से बचें। अगर आपके घर में किसी को डेंगू बुखार होता है तो खुद और परिवार के अन्य सदस्यों की मच्छरों से सुरक्षा के बारे में विशेष रूप से सतर्क रहें। संक्रमित परिवार के सदस्यों को मच्छर के काटने से संक्रमण आपके घर में अन्य लोगों तक फैल सकता है। और आज नेशनल डेंगू डे पर ये खास प्रोग्राम उन सभी लोगों को जागरूक करने के लिए जो हर साल इस बुखार से जूझते हैं या फिर इसके बारे में बेहतर तरीके से नहीं जानते।